खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही एम्बुलेंस सेवा की पोल खुली है। दरअसल वृद्ध महिला को उपचार के लिए हाथ के ठेले में लेकर दंपति पहुंचा, जिसे एम्बुलेंस ना मिलने के चलते ठेले में ले जाना पड़ा। बताया जाता है कि हनुमना निवासी रामलाल कोल अपनी पत्नी मानवती उम्र 65 वर्ष का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उपचार के लिए किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखाया था। हालत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सलाह दी गई, जिसके बाद वृद्ध महिला को उपचार के लिए ले जा रहा है। आइए दिखाते हैं शासन की पोल खोलती तस्वीर और सुनाते हैं वृद्ध ने हाथ ठेले में उपचार के लिए पत्नी को ले जाने के संबंध में क्या जानकारी दी है। एम्बुलेंस नहीं आई है, फोन लगा रहे हैं। दवाई नहीं हो गया, कहाँ लगाई? हाँ, कार्ड बना है, दवाई नहीं करते हैं, जाबो कर दवाई देते नहीं है। एम्बुलेंस का फोन लगा रहे हैं? हाँ, नहीं लगा। तो अभी एम्बुलेंस नहीं आई, कहाँ लगे रहे हैं? ठेलिया से तो कहाँ चाहिए रहे हैं? दवाई तो चाहिए करते हैं। हाँ, दवाई चाहिए है? दवाई चाहिए थे कई किलोमीटर इस ठेले से ले जाना है? दो किलोमीटर है? कई किलोमीटर है? तीन किलोमीटर है? राहत कौन सा मुआ नहीं मिल रहा है ना? सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।